ये दुनिया की चाहत, आज ये दुनिया की चाहत मुसलमान लड़कियों को इस बात पर आमादा कर चुकी है कि हमारी बहनें, मुसलमान ब्रादरी की बहनें, मुसलमानों की बहनें गैरों की बिस्तरों की जीनत बनने तैयार है। क्यों? तुम्हारी माँ चाहती है कि गरीबों से जहेज लिया जाए, तुम्हारी बहन चाहती है फलानी लड़की से निकाह हो जाए, तुम्हारे घर वाले चाहते हैं। यह दुनिया की चाहत ने, यह दुनिया की चाहत ने हमारी मुस्लिम बहनों को इस बात पर मजबूर कर दिया कि आज देखो आप सोशल मीडिया पर थू-थू हो रही है, थू-थू हो रही है सोशल मीडिया पर मुसलमानों की लड़कियां, मुसलमानों की बहनें, मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ मंदिरों में जाकर हिंदू मजहब को कबूल करके वह हिंदुओं से शादी कर रही है। नौजवानों, तुम्हारे जमीर को क्या हो गया है? तुम्हें इस बात की तकलीफ नहीं होती किसी की बहन है तुम तकलीफ नहीं खाते? तुम्हारी बहन अगर कल करेगी किसको मुंह दिखाने के लायक रहोगे? मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, जरा उठ के खड़े हो जाओ, जरा कमर बस्ता हो जाओ, जरा हमारी बहनों की इज्जत बचाने के वास्ते सादगी की शादी कर लो, चौड़ा धोड़ा ना लो, अपनी बीवियों के साथ उनके हकूक अदा करो। मेरे नौजवानों, तुम पर यह जिम्मेदारी है। कल कयामत के दिन, कल कयामत के दिन वो बहन भी आएगी जिसने इस्लाम को छोड़कर गैर के साथ शादी की। तुम भी वही मैदान में होंगे, मैं भी वही मैदान में होऊंगा। अगर वो बहन आपका मेरा दामन पकड़ ले कि मैं बिन बिया बैठी हुई थी, मेरे मांग के बाल सफेद हो रहे थे, कोई जियाला आकर मेरे साथ बगैर पैसों के शादी करने तैयार नहीं हुआ, इसलिए अल्लाह मैंने ये गुनाह किया, वो लड़की तो जहन्नम में जाएगी, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाने के लायक होंगे? जरा ये सवाल असल पैदा करने की जरूरत है मेरे भाई। फिक्र आखिरत ये इंसान के दिल में जब पैदा हो जाता है तो वो इंसान जिंदा इंसान है। अगर जिसके दिल में फिक्र आखिरत नहीं, हकीकत में वो एक जिंदा लाश की माननीय दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي